सोचना, पिछले 3 एपिसोड में हमने लाहौर से मानसेरा तक बस में सफर किया और मानसेरा से ड्राइव करके खनिया के मुकाम पर अपनी बाइक पार्क करके ट्रैकिंग स्टार्ट की और दन्ना मेडोज टॉप पे कैंपिंग की ख्वाहिश लिए ट्रैकिंग स्टार्ट तो की, लेकिन हालत इतनी बुरी हो गई कि आधे रास्ते में ही रुककर मस्जिद में रात गुजारनी पड़ी। तो अब चलते हैं यहाँ से एपिसोड 4 की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, सुबह सुबह मैं नमाज पढ़ के इस वक्त बाहर आ चुका हूँ। वो सामने सूरज निकल रहा है, दिल मेरा बहुत चाह रहा है मैं इसका एक खूबसूरत टाइम लैप्स शूट करता, लेकिन मेरी बैटरी इतनी कम रह गई है कि मैं बिल्कुल भी जो है वो इस पे टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा था कि मेरी बैटरी सुबह जो मैंने दन्ना मेडोज जाना है वहाँ के लिए मेरी यूज़ हो जाए। सुबह हो चुकी है, तकरीबन 6 बज चुके हैं और मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। हाँ, चाय पीऊँगा मैं। चलो जी, चाय इतनी देर आ रही है हमारी बन के, इमाम साहब लेकर आ रहे हैं अपने घर से, चाय पियेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे ऊपर। शदीद सर्दी है। ले जी, गर्मा गर्म पराठा आ गया और इसको हमने चाय के साथ खाना है। उन्होंने वैसे तो 2 पराठे भेज दिए लेकिन मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा। और ये है जनाब चाय का थर्मोस। लोकल हॉस्पिटैलिटी जो है ना, आपको सही देखने में मिलती है जब आप माउंटेन्स में आते हैं। लो जी, मस्जिद से हमने अपना चेकआउट कर दिया और हमारे साथ जा रहे हैं जुबैर भाई, यहाँ के लोकल हैं और मुझे साथ साथ लेके जाएंगे, असिस्ट करेंगे, एज अ पोर्टर भी जा रहे हैं मेरे साथ। और तकरीबन इनके मुताबिक हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऊपर जाते हुए। 7:30 का टाइम हो गया, धूप कड़ाके की निकलाई है, सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है कम हो जाएगी और जो जैकेट मैंने पहनी हुई है ये भी थोड़ी देर बाद अभी उतर ही जाएगी मुझे लगता है। लो जी, मैदान वाली जगह से जो है हम लोग जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये अब घना जंगल स्टार्ट हो गया और दोनों तरफ मेरे दरख्त हैं और इसी तरह अब हमने ऊपर जाना है। मज़ीद रास्ता मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा रास्ता एक दिन पहले कवर किया था, आगे भी बिल्कुल वैसा ही मिट्टी वाला स्टीप रास्ता था। और आपको तो पता है कि ट्रैकिंग हो और कुत्ता ना मिले, ये कैसे हो सकता है। ये थोड़ा सा तेरी सी ऐसे करते हैं ना, नाज़रीन वहाँ से जाते हैं। एक दफ़ा फिर कुत्ता आ गया, ये मुसीबत जहाँ पे भी जाओ ये रास्ते में आ जाता है और वो सामने ही करा हुआ है, अब क्या करें। नाज़रीन वो सामने खड़ा है झाड़ियों में, वाइट कलर का कुत्ता है। अब जो हमें रास्ता भी चेंज करेंगे, रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लो जी, मेरे साथ जो उज़ैर हैं वो यही कह रहे हैं कि हम रास्ता चेंज कर लेते हैं और मज़ीद आगे से घूम के फिर ऊपर जाते हैं। तो मैं वापस नीचे आ रहा हूँ इस कुत्ते की वजह से अगेन, और मज़ीद अब जो है ना हमें एक्स्ट्रा ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आई होप अब वहाँ पे पहुँचे तो ऊपर सामने ना आ जाए दोबारा से अपना बूथा लेकर। दरख्तों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं नए रास्ते से अपनी तरफ से कुत्ते से छुप छुप के।
मुसलसल आगे झाड़ियाँ हैं और दरख्त हैं। ओके जी, बीच घने जंगल में पहुंच गए हैं। आपको पीछे पानी की आवाज़ आ रही होगी, ये एक छोटा सा चश्मा आ गया। अगर आपने यहाँ पे पानी शानी पीना हो तो फ्रेश हो सकते हैं। हमें अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया है आते हुए, और हाँ 20 से 25 मिनट तकरीबन हमें हो गए हैं। और वो वहाँ से नीचे से आए हैं, रास्ता चेंज किया है। तो आप लोगों को यही मेरी एडवाइस है, अकेले नहीं आना, आपने हमेशा लोकल गाइड होना बहुत ज़रूरी है। रास्ता कोई भी इसका ऐसे नहीं है कि आप अकेले निकलें तो आपको मिल जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ी है बिकॉज़ बहुत बिखरा हुआ है रास्ता। लाइक एक रास्ते से 5-5, 6-6 रास्ते निकल रहे हो, तो यू नेवर नो कि आप कहाँ पर जाके फंस जाए ना। रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ जो हैं वो मिलते जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है इस ट्रैक का कि आपको जगह जगह पे आप देखें वाटर स्ट्रीम्स आपको मिलती जाती हैं। तो ये आलमोस्ट जो है अब हमारा कोई 5-10 मिनट का ही रह गया जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा देना मेडोज का व्यू। और फिर फाइनली 2 दिन की मुशक्कत के बाद मैं दन्ना मेडोज पहुंच ही गया। लो जनाब, फाइनली दन्ना मेडोज़ का खूबसूरत जो हट है वो आ गया। तकरीबन हमें 1 घंटा और 10 मिनट लगे हैं मैदान वाले इलाके से दन्ना मेडोज़ के टॉप हट पे पहुंचने के लिए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, और थोड़ा सा इधर डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इस जगह के बारे में, और किसी ने इस खूबसूरत हट को जला भी दिया था एक दफ़ा। तो अब पहुँच गए टॉप पर, या फिर थोड़ा सा अपना कैंप लगाएंगे, रेस्ट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे 2-3 घंटे, और फिर हम लोग वापस चलेंगे नीचे। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सीज़न जब ऑफ हो रहा है तब आया हूँ। दिस इज़ 2 अक्टूबर 2020 टुडे, एंड ऑलमोस्ट ऑटम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ग्रीनरी जो है आपको थोड़ी सी आप देखेंगे हल्का हल्का ब्राउनिश कलर इसमें नज़र आ रहा होगा। आई वुड सजेस्ट कि आपने जब भी यहाँ पर आना हो तो जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर भी, ये जो टाइम है दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। और आज ही आप अपना कैंप लगाते हैं। तो अपना लग गया, अब बारी है इन पहाड़ों में गर्मा गर्म कॉफी पीने की। लो जी, अब मैं बनाने लगा हूँ मजेदार यहाँ पे कॉफी। ये है जनाब मेरी छोटी सी कुकिंग की किट जो कि मुझे स्पॉन्सर किया है वली मॉल ने, और अगर आपने भी लेनी हो तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। लो जी, अब अपनी कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा अपना सेट हो गया है। चल रहा है, आ रहा है? हाँ ओके जी। तो जनाब नेस्कैफे की 3-in-1 कॉफ़ी जो है वो काम आ जाती है ट्रैवलिंग के अंदर। लो जी, पानी जो है ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, क्योंकि हमारा कप जो है वो छोटा सा है तो ये एक पैकेट ही 2 कप्स के लिए काफ़ी है। इसको सामान को हमेशा रैपर को अपने अंदर बैग में डालना होता है, और जब आपको बिन मिले तो आप उसमें कर दें कहीं डिस्कार्ड।
पहले आप ही लो जी, पहले वकार कर रहे हैं, पहले आप, पहले आप, तो ऐसा करें पहले आप ही पी लें कॉफ़ी। लो जी, वकार ने तो बड़ी जल्दी कॉफ़ी पी लिया, हम थोड़ा सा इसको एंजॉय करके पियेंगे। आ जाए ज़रा मेरे साथ, थोड़ा से वहाँ के नज़ारे भी देखते हैं क्या है आसपास, चेक करें ग्रीनरी। ये जब स्पेशली जून जुलाई का मंथ होगा तो इस ग्रीनरी की जो लुक होगी, इवन आप वीडियोस देखें भी नेट के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आएंगे। अच्छा, वो एक मज़े की बात है, वहाँ पे क्रिकेट पिच भी बिल्कुल रेडी। तो स्पेशली जब बॉयज़ वगैरह ट्रिप पे आएँ तो स्पेशली यहाँ पे क्रिकेट ज़रूर खेलें। ऑल दो एक हल्की सी टिप करने के ऊपर भी बॉल जो नीचे चली जाएगी, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे लोग आके क्रिकेट खेलते हैं। आप वीडियोज़ अक्सर देखेंगे ना यूट्यूब पे, आपको नज़र आएगी बड़ी अच्छी पिच बनी हुई है वहाँ पे। वो सामने थोड़ा सा काफ़ी फ्लैट एरिया, तो वहाँ पे आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेट खेलने की जगह बनी हुई है। कैंप देख रहे हैं आपका भाई का, वो लगा हुआ कैंप। और कैंप के बारे में आपके बता दूँ जनाब, ये स्पॉन्सर किया हुआ है कैंप मेरे dominance.pk ने, और इसको भी लेने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर, तो आप जो है वो dominance.pk की वेबसाइट से इस तरह के कैंप्स और बहुत टाइप के उनके पास कैंप्स हैं, वहाँ से आप ले भी सकते हैं। क्रिकेट तो नहीं, लेकिन भाई को घोड़े पे बैठकर दन्ना मेडोज घूमने का मौका जरूर मिल गया। और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अपना टेंट दोबारा से पैक किया, और इस बार दूसरी साइड से डाउनहिल ट्रैकिंग करते हुए मैं वापस पहुंच गया मैदान विलेज, जहां एक रात पहले मैंने मस्जिद में क़याम किया था। लो जी, फाइनली मैदान पहुंच गए थे हम 11:15, 5 मिनट में मैंने अपनी पैकिंग को रीचेक किया और चीज़ें वगैरह कंप्लीट करके निकल पड़ा हूँ मैं वापस। अब जहाँ पे बाइक खड़ी की थी उस जगह का नाम है भूरी, तो भूरी अब मैंने जाना है। आया तो कल मैं तकरीबन 3.5 घंटों में था यहाँ पे, देखते हैं वापस जाते हुए कितना टाइम लगता है। बैटरी मेरी लो हो चुकी है और नीचे भी खनिया भी जाना है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो ये बच्चा हमारे साथ वकास जा रहा है, हमें नीचे गाँव तक छोड़ देगा और उसके बाद फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। लो जी, सड़क नीचे नजर आ गई है जहां पे मैंने अपना सामान रखा था। अब सिर्फ 5 मिनट की डाउनहिल ट्रैकिंग है और फिर अल्लाह करे अपनी बाइक वहीं पे खड़ी हो जहाँ पे छोड़ के आया था। लो जी, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ भूरी के मुकाम पे, जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की थी और बाइक सही सलामत मिल गई है, और दोबारा जो है वो बैग शैग जो है वो अपने पैक हो गए हैं। और मज़े की बात ये है कि अपना दोस्त जो है यूनिवर्सिटी का उमर हयात, वो भी पहुंच चुका है जी यहाँ पे। ही इज़ आल्सो केमिकल इंजीनियर फ्रॉम माय पंजाब यूनिवर्सिटी, और अभी जो है वो ICI खुरा में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब कर रहा है, और आगे का रास्ता जो है वो इंशाल्लाह हम दोनों जो है अब साथ चलेंगे। तो चलते हैं फिर नीचे कगान की तरफ। लो जी, निकल पड़े हैं हम फिर फाइनली भूरियां से, और अब नीचे जा रहे हैं खनिया की तरफ, बहुत ही स्टीप ढलवान होगी। सो फाइनली 2 दिन दन्ना मेडोज में गुजारने के बाद मैं अपने दोस्त उमर हयात के साथ निकल पड़ा स्कर्दू की तरफ, और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कागान, नरान, भट्टा कुंडी और लुलूसर और बाबूसर तक का सफ़र।